Class 4, Chapter 1, Body Science. The parts that can be seen from outside is called external organ. जो parts हम लोग बाहर से मतलब अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे हम external organ कहेंगे. For example, eyes, nose, ear, etc. और internal organs. The parts present in our body which cannot be seen is called internal organs. ऐसे parts हमारे body के जो हम लोग अंदर है हम लोग आंखों से नहीं देख सकते उसे इंटरनल ऑर्गन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हार्ट, लिवर, किडनी एटसेट्रा. आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट. हमारा जो बॉडी है वो वर्क करता है मशीन की तरह. मशीन में जैसे पार्ट्स होते हैं वैसे ही हमारे बॉडी के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. उनमें से कुछ सिस्टम होते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ लिखा हुआ है. द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स माउथ, फूड पाइप, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन. द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स. हमारा जो फूड है फूड के अंदर हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन. ये हमारे बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बनता है? माउथ मतलब हमारा मुंह, फूड पाइप मतलब खाना जहां से जाता है, स्टोमक मतलब पेट और इंटेस्टाइन मतलब पेट के अंदर के पार्ट्स. तो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन होते हैं वो छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं. डिवाइड होके हमारे जो पेट में डाइजेस्ट होते हैं उसे ही हम लोग डाइजेशन कहते हैं. टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ. हमारा जो मुंह है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टीथ होता है. टीथ help to bite and chew the food. There are two sets of teeth. Teeth के दो sets होते हैं. When a baby is 3 years old, जब एक बच्चा 3 साल का होता है, तो he or she have a set of 20 teeth. वो लड़की या लड़के के पास 20 teeth का set होता है. These are called temporary or milk teeth. Temporary or milk teeth कहते हैं जो ये 20 set of teeth रहता है उसको. मतलब ये टूट जाते हैं उसके बाद फिर नए टीथ होते हैं. बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स द मिल्क टीथ फॉल वन बाय वन एंड न्यू टीथ ग्रोन ऑन देयर प्लेस. मतलब 6 से 12 साल तक जब बच्चा 6 से 12 साल तक हो जाता है तो वो जो मिल्क टीथ है वो एक एक करके गिर जाते हैं मतलब टूट जाते हैं और नए टीथ वहां पे ग्रो होते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं और ये जो परमानेंट टीथ है ये और कभी टूटते नहीं. टाइप्स ऑफ टीथ. देयर आर 3 types ऑफ टीथ नेमली फ्लैट टीथ, पॉइंटेड टीथ, ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ. देखिए हमारे मुंह के अंदर टीथ होते हैं. टीथ 3 प्रकार से हम लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. पहला फ्लैट टीथ. फ्लैट टीथ मतलब जो आगे के टीथ होते हैं उन्हें फ्लैट टीथ बोला जाता है. वो यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड. हम फ्लैट टीथ इस्तेमाल करते हैं कटिंग मतलब फाड़ने के लिए और बाइटिंग द फूड. दूसरा होता है पॉइंटेड टीथ यूज फॉर टियरिंग द फूड. और एक होता है ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ यूज फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. तो ये 3 types के टीथ होते हैं. आप इन्हें नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं. वेज टू प्रोटेक्ट टीथ. हमारा जो टीथ है उसमें जर्म्स लग जाते हैं तो हम उसे कैसे साफ रख सकते हैं? ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें हमारे टीथ को कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए एक दिन में.
सेकेंड, वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। तीन प्रकार के मील होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये तीनों में जैसे ही ब्रेकफास्ट हुआ वैसे ही हमें अपना मुंह धो लेना चाहिए। लंच करने के बाद भी हमें मुंह धो लेना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे मुंह के जितने भी जर्म्स है वो पानी के द्वारा हमारे मुंह से निकल जाते हैं। थर्ड, क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स। हमारा जो टंग है उसमें भी जर्म्स रहते हैं, तो उसको साफ करने के लिए हमें टंग क्लीनर का यूज करना चाहिए। ईट कैल्शियम रिच फूड्स लाइक एग्स, मिल्क एटसेट्रा। टीथ को मजबूत करने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो कैल्शियम रिच फूड हमें खाना चाहिए, जैसे कि एग। इसमें कुछ लिक्विड फॉर्म भी है जैसे मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स। 5, विजिट डेंटिस्ट एट रेगुलर इंटरवल। हमें कम से कम महीने में एक बार तो डेंटिस्ट के पास अपना दांत चेक करवाना ही चाहिए, जिससे पता चलता है कि हमारे दांत में जर्म्स लगे हैं कि नहीं, इससे हमें उसे ठीक करने में पता चलता है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। देश में